हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रिकेट चमकी में। आज हम बात करने वाले साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही ओडीआई सीरीज के दूसरे मुकाबले के बारे में। उनका पहला मैच तो बारिश में ही धुल गया था, बिना कोई बॉल फेंके, बिना टॉस हुए। तो दूसरा मैच जो खेला जाना है ईस्ट लंदन में, वहां पे कैसी क्या पिच रिपोर्ट होगी, कैसा वेन्यू होगा, क्या यहां पे भी बारिश के चांसेस है, क्या दोनों टीमों की प्लेइंग 11 हो सकती है इस ओडीआई सीरीज में, कौन से खिलाड़ी आपके इस मैच में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारी की सारी चीजें वीडियो में डिटेल से हम समझेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। साथ में उससे भाई पहले रिक्वेस्ट सबसे रहने वाली है, वीडियो शुरू करने से पहले कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बात करते हैं इस मुकाबले नंबर 2 के बारे में ओडीआई सीरीज के। तो मुकाबला खेला जाना है बुफेलो पार्क ईस्ट लंदन में कल शाम 4:30 बजे हमारे भारतीय टाइम जोन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले नजर डाले थे यहाँ की पिच रिपोर्ट पे, तो देखोगे यहाँ के लास्ट के जो 22 मैचेस खेले गए हैं वहां पे एवरेज स्कोर मात्र 226 रन बने हैं। हाल ही में यहाँ पे साउथ अफ्रीका T20 लीग खेला गया था, तो वहां पे भी इस ग्राउंड पे काफी कम रन बनते थे और स्पिनर्स को बहुत ज्यादा विकेट मिलती थी। तो यहाँ पे भी नॉर्मली स्पिनर्स गेम में आएंगे, स्टार्टिंग ओवर्स में जरूर पेस काम में आएगी, लेकिन मिडिल ओवर में स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस पिच पे। वही बात करते हैं यहाँ पर टॉस जीतने के कैप्टन को क्या करना चाहिए, तो बैटिंग फर्स्ट पे यहाँ पे 53% मैच जीते हैं और बैटिंग सेकंड में 47% मैच जीते, तो मतलब ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। कोई भी टीम कुछ भी करो, टॉस जीतो, बैटिंग कुछ भी करो, उनका प्लेइंग 11 मजबूत होना जरूरी है। अब नजर डाल लेते हैं दोनों की टीमों का क्या प्लेइंग 11 इस मुकाबले में हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो इनके लिए ओपन करने आएंगे क्विंटन डिको, साथ में रिचा हैंडिस, नंबर 3 पे आएंगे इनकी ओडीआई स्पेशलिस्ट बैट्समैन सॉरी बैटर्स राशि वैन डुसन, फिर कप्तान तेमा काउमा, टोनी डेजर जोई, क्रिस्टियन स्टर्क्स, एंडी फ्लेक्वायो, केशव महाराज, तबरेज शम्सी, लुंगी लंगीडी और जोए कविजे, तो कुछ इस प्रकार के लोग भी प्लेइंग 11 नजर आने वाली है। वहीं बात करते हैं वेस्ट इंडीज की टीम की, तो उनकी तरफ से ओपन करने आएंगे कप्तान, नए कप्तान शाई होप ओपन करने आएंगे, साथ में आएंगे ऑलराउंडर काइल मेस, नंबर 3 पे आएंगे ब्रेंडन किंग, फिर आएंगे निकोलस पूरन, फिर आएंगे रोस्टन चेज, रोमन पोवेल, जैसन होल्डर, अकील हुसैन, रोमारियो सेफर्ड, ओडेन स्मिथ एंड यानिक प्रिया, तो ये कुछ इस प्रकार से इन लोगों की प्लेइंग 11 नजर आने वाली है। एंड इस मुकाबले में दोनों टीमों के लिए क्या की प्ले कर सकते हैं, क्योंकि पहला मैच तो खेला नहीं, तो आपको इम्पोर्टेंट होगा कौन से प्लेयर आपके इस मैच में अच्छा कर सकते हैं। बात करते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, तो उनके लिए इनके मैन बैट्समैन है क्विंटन डिको, राशि वैंडरसन जो ओडीआई में भी काफी टॉपते हैं, साथ में तबरेज शम्सी और लुंगी लंगीडी जो इनके की प्लेयर है। इनके अलावा कौन से प्लेयर से टीम कुछ एक्सपेक्ट करती होगी, देखो रिजा का क्लास बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बैटर्स है वो, एंड उनका डोमेस्टिक लेवल भी बहुत अच्छा रहा है, उनसे काफी सारी उम्मीदें होंगे ओपनिंग में, साथ में तेमा काउमा जो हाल ही में टेस्ट और इसके कप्तान में टेस्ट में भी सेंचुरी चढ़ के आ रहे हैं इस टीम के खिलाफ, तो वो मिडिल ऑर्डर में कैसा परफॉर्म करते हैं, वो T20 के लायक बैट्समैन तो नहीं, लेकिन ओडीआई में वो काफी सारा अच्छा रिकॉर्ड है, तो तेमा काउमा का देखना वो कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। साथ में एंडी फ्लेक्वायो बहुत शानदार ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग से भी बहुत सारे रन कॉन्ट्रीब्यूट करके देता अपनी टीम के लिए, तो ये किस प्रकार से हेल्प करता है इस मैच में वो भी देखना जरूरी होगा। उसके अलावा टीम के पास और भी अच्छे गेंदबाज जैसे लोकल टैलेंट है जोए कविजे, उनको देखना होगा कि वो किस प्रकार की गेंदबाजी इंटरनेशनल क्रिकेट में करते हैं, टेस्ट में अच्छा और साउथ अफ्रीका T20 लीग में अच्छा वो करते आए हैं। बात करते हैं वही वेस्ट इंडीज की, टीम की तरफ से मोटे मोटे नाम अगर पिक करें तो उनके मेन बैटर्स होंगे साई हो, निकोलस पूरन और जैसन होल्डर। एक्सपेक्ट क्या रहेगी टीम की, अगर आप नजर डालोगे पूरे स्क्वाड पे टीम फुल पैकेज हाउस है ऑलराउंडर स्किल्स की, पूरी की पूरी टीम में ऑलराउंड स्किल्स है, टॉप ऑर्डर से लेकर नीचे तक सब बैटिंग कर सकते हैं, सब बॉलिंग कर सकते हैं, तो कोई भी प्लेयर अपने टीम पे मैच जितवा सकता है इस टीम में, तो हम किसी पे भरोसा नहीं जता सकते, कोई भी प्लेयर अपना सब उसमें बॉलिंग बैटिंग सब करते हैं, तो लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जान जाते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज वही टीम है जो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में लीग स्टेज भी नहीं खेल पाई थी, राउंड्स जो होते हैं उनमें पहुंचने के लिए राउंड मैचेस वहां पे ही हार गई थी। तो वेस्ट इंडीज का क्रिकेट है सुधार, उनके पास T20 के बहुत ज्यादा बैटर्स हैं एंड ओडीआई की लाइफ वो है कि नहीं, और टेस्ट में भी हार चुके हैं साउथ अफ्रीका से, तो देखना होगा वो किस प्रकार से गेम खेलते हैं। सारी चीजें डिस्कस करने के बाद कौन सी टीमें मैच जीतती हुई नजर आती है, तो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका 60% मैच जीत सकते हैं, आई होप 70% 80% भी जीत जाए, लेकिन वेस्ट इंडीज एक अनएक्सपेक्टेड टीम है, वो कुछ भी कर सकती, तो वो 40% मैच मेरे हिसाब से यहाँ पे जीतनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन सी टीमें मैच जीत सकती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ में दोस्तों अगर आपको इस मैच की टॉस सेशन फिक्स रिपोर्ट वगैरह टिप्स वगैरह एंड इनिंग्स वगैरह और फैंटेसी से रिलेटेड टीम्स वगैरह जो
कोच भी चाहिए। अगर आप इस चीजों की तलाश में, तो आपको ऊपर स्क्रीन पे एक नंबर नजर आने वाला है, आपको स्क्रीन पे फेस में भी आपको नंबर नजर आएगा, तो आप इस नंबर पे हम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, साथ ही इस नंबर से हम पे बात करके जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉन्टेक्ट 24/7 एनी टाइम कर सकते हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे कॉल हो, चाहे टेक्स्ट हो। बाकी आप लोग हमसे जुड़ जाओ, अहम मैच है, इस मैच में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है, साथ में आईपीएल जैसा बड़ा स्टेज भी आने वाला है। आपको हमारे यहाँ पे 98-99% आपको करेक्ट एक्यूरेसी देखने को मिलती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट मैच में किसी और बेहतरीन एनालिसिस वीडियो के साथ फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिकेट जंकी पे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।